मुझे न्यूमेरिक मेथड पढ़ाने वाले चौहान सर मुझसे आज पूछ रहे थे कि विशाल, IDFC फर्स्ट बैंक में मेरी खरीदारी है 85 रुपए के भाव पे, अभी शेयर के भाव लगभग 75 रुपए पे चल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? बेच के निकल जाऊँ क्या? नुकसान हो रहा है मेरा, या फिर एवरेज कर लूँ यहाँ पे? तो ये वीडियो मेरे चौहान सर के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो कि इस शेयर में फंसे हुए हैं या फिर अब खरीदने की सोच रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये शेयर जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो अपने काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे फिलहाल मिल रहा है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जो शेयर के भाव 110 रुपये होने चाहिए वो अभी 75 रुपये के भाव पे आपको मिल रहे हैं, यानी इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 110 रुपये के करीब में है और शेयर के भाव 75 रुपये के करीब में। कैंडल स्टिक पर जाके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जिस लेवल पर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है वो लास्ट जून जुलाई के टाइम पे ट्रेड कर रहा था। तो ये गिरावट आपके लिए एक बढ़िया मौका हो सकती है, आप चाहें तो इस लेवल पे थोड़े से अमाउंट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन बल्क में खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर डाउनफॉल होता है तो ये शेयर 50 रुपये के भाव तक भी जाता हुआ नजर आएगा। तो उतने लेवल तक जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 70-72 रुपये के भाव पर ये शेयर जा सकता है, तो स्टॉप लॉस लगाना होगा, तो आप 70 रुपये के भाव पर लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के कुछ फाइनेंशियल्स के ऊपर, लेकिन आपका अगर भरोसा IDFC फर्स्ट बैंक पे है तो आपको 3-4 चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। इस बैंक के बारे में मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ, चौहान सर आपके लिए भी, आप मुझे बहुत होमवर्क देते हो, आज आपको भी करना है। आप सबसे पहले जाके 6-7 पैरामीटर लगा के इस बैंक को जांच कर लेना कि पहला कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, ठीक है, दूसरा रिटर्न ऑन एसेट्स कितने बन रहे हैं, साथ ही साथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी है IDFC फर्स्ट बैंक की, उसके बाद कासा रेशियो और नेट NPA, ये सब आप चेक कर लीजिएगा, और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितनी है इसको भी आप जांच लीजिएगा। उन सारे पैरामीटर को अगर ये IDFC फर्स्ट बैंक फुलफिल करता है ना तो आप निवेश कर लीजिएगा। बताने के लिए मैं इन सारे रेशियो को बता सकता हूँ, लेकिन कुछ काम मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूँ, तो इस काम को आपको करना है। अब जनता जनार्दन की जय बोल के शुरुआत करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का डिटेल्ड एनालिसिस। पहले कुछ डेटा को अपन लोग परसेंटेज वाइज देख लेंगे और उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करेंगे रियल नंबर्स में। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, करते नहीं हो। 53,307 करोड़ की मार्केट कैप रखती है अपनी IDFC फर्स्ट बैंक। कंपनी डिविडेंड के नाम पे कुछ नहीं देती है, फिलहाल तक तो मुझे नहीं मिला, मेरे खुद के निवेश भी इसके भीतर है। पी रेशियो की बात करें तो काफ़ी अच्छी पी है, 17.57 की है। पी रेशियो के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है ना कि कोई भी शेयर अगर 15 से लेके 35 के भीतर इसकी पी है तो मान के चलिएगा कि बढ़िया है। और दूसरा ये देख लीजिएगा कि सेक्टर की पी कितनी है, सेक्टर की पी से कम अगर स्टॉक की पी है तो तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 71% है, CAR लगभग 16.82% है। प्रॉफिट ग्रोथ रेट ये ड्रास्टिक है, 1575%, समझ रहे हैं आप ये कितने बड़ी नंबर होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, डिसेंट है। कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है ये चीज़ें भी आने वाले वित्तीय वर्ष में आपको अच्छी ग्रो करती हुई नज़र आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, लगभग 37% के स्टेक कंपनी के प्रमोटरों के पास है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके भीतर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी है और म्यूचुअल फंड्स भी है, और साथ ही साथ रिटेल के पास भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छे अमाउंट में है। तो जितना बढ़िया इसका डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डिंग पैटर्न का है ना, वो इसके भीतर एक स्टेबिलिटी लेके आएगा जब भी ये शेयर रैली करेगी उस टाइम पे। आप अब इसके सारे डेटा को रियल नंबर्स में देखिए, जहाँ पे आपको एक एक नंबर में पता चल जाएगा कि कंपनी के भीतर और इस बैंक के भीतर ग्रोथ कितने रुपए की हो रही है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कंपनी की रेवेन्यू यानी राजस्व में वृद्धि हो रही है, कंपनी की नेट इनकम यानी शुद्ध लाभ में वृद्धि हो रही है, कंपनी की एसेट मैनेजमेंट जो है वो ग्रो कर रही है, यानी कि कंपनी की संपत्तियों में ग्रोथ हो रहा है, तो मान के चलेगा कि कंपनी चलेगी, कंपनी दूर तक जाएगी। साथ ही साथ कंपनी के पास रिजर्व में कितना कैश है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये बेसिक पैरामीटर है, अगर इस पैरामीटर को फुलफिल कर रही है ना आपकी IDFC, निवेश कर दीजिएगा, सोचिएगा ज़्यादा मत। और ज़्यादातर रेवेन्यू को आप ईयरली देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्वार्टरली तो क्वार्टर रिजल्ट आते रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम रहता है, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो उसी चीज़ को अपन लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले अगर नेट इनकम पे आके देखें, अगर क्वार्टरली देखें इसको, तो सितंबर के क्वार्टर में रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुई, और उसके बाद थोड़ी सी रुक जाए, और दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 9,396 करोड़ की टोटल रेवेन्यू थी। वहीं इनकम में थोड़ी सी गिरावट हुई है सितंबर क्वार्टर की तुलना में, लेकिन यही चीज़ अगर आप ईयरली देखिएगा ना तो आप पाइएगा कि कंपनी के भीतर दोनों चीज़ में ग्रोथ हो रही है, वो चाहे रेवेन्यू हो, वो चाहे इनकम हो, वो चाहे EPS हो, EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर्स। इसके बाद में कंपनी की एसेट्स मैनेजमेंट को देखिए, एसेट्स मैनेजमेंट आपको ये बता देती है कि कंपनी के कारोबार कैसे चल रहे हैं। आपको भी पता है कि आपके कारोबार अगर अच्छे चलेंगे तो आप अपनी संपत्तियों को बढ़ाओगे कि भैया और तेज़ी से अपने प्रोडक्ट्स निकले, अपने सर्विसेज निकले, जो भी काम है वो तेज़ी से हो। वही चीज़ कंपनियों के भीतर होती है, वही चीज़ बैंक के भीतर होती है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि कंपनी की एसेट्स में भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, और नेट NPA इस बैंक का काफ़ी कम होता जा रहा है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं या फिर वो डिफॉल्टर्स जो होते हैं जो कि पैसे लेके भाग जाते हैं,
वो लोग की संख्या काफ़ी कम हो रही है इस बैंक के भीतर, कासा रेशियो काफ़ी सुधर रहा है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये मतलब यही होता है कि बैंक के पास डिपॉजिटरों की कमी नहीं, यानी कि कंपनी का जो कैश रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस कंपनी के भीतर अच्छी हो रही है, यानी आप देखना चाहें अगर आप खुद से भी एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो IDFC फर्स्ट बैंक है बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन है 100 रुपये के भीतर में। लेकिन मेरे कहने के बाद ये मतलब नहीं है कि आप सीधे जाके आंख मूंद के इन्वेस्ट कर लें, आपकी एज कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो आपका वित्तीय सलाहकार ही आपसे मिल के आपको देख के बता सकता है। मैं यहाँ से आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ इस कंपनी के बारे में, आपको विशेष करके नहीं कर सकता कि आप इसके भीतर इन्वेस्ट कर लें। खैर, कंपनी के जो कैश फ्लो है उसमें भी कोई कमी नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व में भी काफ़ी बढ़िया अमाउंट में कैश पड़ा हुआ है। कॉम्पिटिटरों की तुलना कर ले तो HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारी की सारी IDFC फर्स्ट बैंक की कॉम्पिटिटर है। लेकिन IDFC के पास एक एक्स्ट्रा एज यही है कि कंपनी के हर पैरामीटर पे कंपनी ग्रो कर रही है, साथ ही साथ इसकी जो मैनेजमेंट है वो टॉप नॉच लेवल की है। तो आप मैनेजमेंट पे दाव लगा सकते हैं इस कंपनी के भीतर। बाकी आगे बढ़ते हैं और इसकी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। दिसंबर क्वार्टर में देखें आप तो लगभग 3.5% के स्टेक है म्यूचुअल फंड के पास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी लगभग 3.5%, 24.5% के जो स्टेक है कंपनी के, टोटल कंपनी के, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है, और 31.5% के जो स्टेक है वो रिटेल के पास है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि ये कंपनी स्टेबल है, वरना म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हम लोगों से ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, उनके पास हर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए सोर्स रहती है, तो वो कहीं ना कहीं इसको लेकर निश्चिंत है तभी निवेश कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा भरोसा जताना पड़ेगा इसके भीतर, जो इंपॉर्टेंट लेवल बन रही है उसके ऊपर खरीदारी करें तो बेशक आप बढ़िया फायदे में रह सकते हैं। इसके बाद में अगर डिविडेंड की बात कर लें तो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड 2018 में दिया था, उसके बाद से कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया है। तो डिविडेंड के लिए निवेश मत कीजिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी के अच्छे चांसेस हैं, एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छी चल रही है, अगर आप इसको RSI इंडिकेटर पर भी देखेंगे तो बढ़िया एंट्री के चांसेस बन रहे हैं, सेलिंग चल रही है, यही मौका होता है खरीदारी करने का, इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे में मिल रहा है ये शेयर। तो ओवरऑल यही है कि कंपनी बहुत अच्छी है, बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, साथ ही साथ मैनेजमेंट भी टॉप लेवल की है। तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं 70-75 रुपए के लेवल पे, 70 रुपए पे आप स्टॉप लॉस रखिएगा अगर पहले से खरीद के बैठे हुए हैं तो, अगर आपको एवरेज नहीं करना है तो। बाकी जो एवरेज करना चाहते हैं वो 75 के लेवल पे कर सकते हैं, शायद बॉटम यहीं पे बने, यहां से बाउंस बैक कर जाए ये शेयर, और यहां से अगर गिरावट होती है तो 70 रुपए तक जाने को देख सकते हैं अपन लोग। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो, बातें समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।